प्रेजेंटेड बाय हिमालय प्योर होम्स। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर होम्स। प्योर होम सैनिटाइजिंग फ्लोर क्लीनर बना है नेचुरल तत्वों से। हिमालय का कहना है कि ये फर्श से 99.99% जर्म्स हटाता है। क्योंकि इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं है, इसलिए ये आपके घर के फर्श को बच्चों और पेट्स के लिए सेफ बनाता है। अदा 35 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। अब इस साल की शुरुआत उनके लिए अच्छी नहीं रही। उन्हें कुछ ऐसे लक्षण महसूस होने लगे जो पहले कभी उनके साथ नहीं हुआ। उनके सीधे हाथ और पैर में बहुत कमजोरी महसूस होती थी, इतना कि वो उस हाथ से कुछ सामान नहीं उठा पाती थी, ना ही ठीक से चल पाती थी। चलते चलते उनका बैलेंस बिगड़ जाता था, जिसके कारण वो गिर जाती। साथ ही जब भी वो गर्दन आगे की तरफ झुकाती थी तो उन्हें गर्दन में एक करंट सा महसूस होता था। घर वालों के कहने पर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। उनके कुछ टेस्ट हुए जिनसे साफ हो गया कि उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेन और आपके नर्वस सिस्टम पर असर करती है। नर्वस सिस्टम यानी आपके शरीर का पावर हाउस, ये आपके शरीर की हरकतों को कंट्रोल करता है। अदा चाहती हैं कि हम अपने शो पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बात करें। ये क्या है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। समय के साथ देश में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। अब इसका एक कारण ये है कि अब इस बीमारी की जांच होना आसान है, इसका पता ज्यादा आसानी से चल जाता है। न्यूरोलॉजी इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये बीमारी हर 1,00,000 में से 5 से 10 लोगों को होती है। तो सबसे पहले डॉक्टर से समझ लेते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है और क्यों होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मस्तिष्क की एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन की नर्व्स के ऊपर इंसुलेशन, जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, उसके डैमेज की वजह से भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण रोगियों में नजर आते हैं। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून बीमारी का मतलब यह होता है कि आपका बॉडी आपका दुश्मन खुद बन गया है और आपकी इम्यूनिटी आप ही के बॉडी को डैमेज करने लगी है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आपके बॉडी में किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, उस वायरस के अगेंस्ट आपके बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई और उन एंटीबॉडीज का जो स्ट्रक्चर है वो हमारी माइलिन शीथ के स्ट्रक्चर से मैच कर गया, जिसकी वजह से वायरस को डैमेज करने के साथ साथ हमारी माइलिन शीथ भी डैमेज हो गई। ये बताना तो असंभव है कि इस बीमारी के पीछे मुख्य कारण क्या है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि इसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से संभव है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षण बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मरीज को बार बार अटैक्स पड़ते हैं और इस अटैक में मरीज को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका विजन जा सकता है, एक आंख से दिखाई देना बंद हो सकता है, डबल विजन हो सकता है, चलने में इम्बेलेंस हो सकता है, शरीर का एक बॉडी का पार्ट चलना बंद हो सकता है दोनों पैर चलने बंद हो जाए, हो सकता है एक हाथ और एक पैर चलना बंद हो जाए, हो सकता है कि आवाज में लटपटाहट आ जाए, हो सकता है कि इम्बेलेंस की वजह से मरीज को चलने में परेशानी बन लगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आपको इस बीमारी के विषय में पता चले या इस प्रकार का कोई भी लक्षण आए तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास अवश्य जाएं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज में दो प्रकार के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर अटैक को ठीक करने के काम में आता है और आमतौर पर इसमें हम IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन या स्टेरॉइड्स नाम की दवाई देते हैं। अटैक का ट्रीटमेंट जब मरीज को परेशानी होती है तब उसको स्टेरॉइड्स IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन या उसी प्रकार का कोई और इंजेक्शन 3 से 5 दिन के लिए दिया जाता है। यदि मरीज इससे ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि ना हो तो इसके बाद में IVIG या खून की सफाई, जिसको हम प्लाज्मा एक्सचेंज बोलते हैं, वो भी की जा सकती है। मरीज को अगले अटैक्स से बचने के लिए भी कुछ दवाइयां दी जाती हैं जो कि टैबलेट्स के फॉर्म में भी होती हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी होती हैं और कई बार ऐसी भी दवाइयां होती हैं जो कि जीवन में एक या दो दफा दें तो आगे आने वाले अटैक से बहुत अच्छी तरीके से बचाव किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें, उनसे समझ लें कि आपके लिए कौन सी दवाई है जो आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी और बहुत सारे ऑप्शंस में आप और आपके डॉक्टर मिलकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी दवाई बेस्ट रहेगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से बचाव करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक लाइफस्टाइल चेंज जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात आवश्यक है कि रेगुलर व्यायाम, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट्स की रेगुलर सप्लाई और इनटेक,
विटामिन B12 आपके शरीर में ठीक रहे। आमतौर पर यह कहा जाता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स इसमें ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट। कुछ लोग का मानना है कि शायद नॉन वेजिटेरियन डाइट मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट्स के लिए उतनी अच्छी नहीं होती जितनी एक वेजिटेरियन डाइट होती है। जरूरी बात यह भी है समझने के लिए कि आप अपने आप को एक नॉर्मल मनुष्य की लाइफ जीने योग्य समझें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से घबराएं नहीं, और आप और आपके डॉक्टर मिलकर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को सहायता इस प्रकार से कर सकते हैं कि वो अपना जीवन नॉर्मल तरीके से व्यतीत कर सके। डॉक्टर साहब ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस से बचने के लिए विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन B12 खाने की बात कही है। अब इसके लिए आपको खाने में मशरूम, अंडा, चीज, दूध, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, गाजर, आलू, पालक और राजमा लेना चाहिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज संभव है, इसलिए लक्षण दिखते ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या सुबह उठने के बाद आपके गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन अकड़ी रहती है? इसमें गलती है आपके तकिए की, जानिए कैसे। आप सुबह सोकर उठे, आपकी गर्दन में दर्द शुरू हो गया, गर्दन अकड़ी सी महसूस हो रही है। अब ऐसे में आपको लगता है कि आप गलत पोजीशन में सो गए थे इसलिए दर्द हो रहा है, पर हमेशा गलती आपके सोने की पोजीशन की नहीं होती है, तकिए की भी होती है। हम अक्सर तकिया बदल बदल कर सोते हैं, पर यह हेल्दी नहीं है। हर इंसान के हिसाब से उसका तकिया अलग होना चाहिए। अब आपके लिए सही तकिया कौन सा है, इस पर एक वीडियो बनाया फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला ने। यास्मीन कराचीवाला एक्ट्रेस कटरीना कैफ और आलिया भट्ट की भी फिटनेस ट्रेनर है। ये वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर किया। वीडियो में वो डॉक्टर हिमाक्षी बासु से टिप्स ले रही हैं। अगर आपके कंधे दुबले पतले हैं, यानी आपके नैरो शोल्डर्स हैं, तो आपको पतला तकिया लेना चाहिए, पर अगर आपके कंधे चौड़े हैं, यानी ब्रॉड शोल्डर्स हैं, तो आपको थोड़ा मोटा तकिया लेना चाहिए, उस पर सोना चाहिए। कोई भी तकिया खरीदते समय तीन बातों का ध्यान रखिए। तकिए की ऊंचाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। तकिया आपकी नाक की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, यानी पैरेलल होना चाहिए। कंधों पर कम से कम प्रेशर पड़ना चाहिए। अगर आपका तकिया ये तीनों कैटेगरी में फिट बैठता है तो आप उसे इस्तेमाल करिए। अगर सोते समय आपके तकिए के कारण सिर आगे की तरफ हो जाता है तो ये और भी गलत है। अगर आप अपने साइड पर सो रहे हैं पर आपका सिर नीचे की तरफ हो रखा है, या पेट के बल सो रहे हैं और आपका सिर अजीब एंगल पर मुड़ा हुआ है, तो सुबह उठने के बाद ना सिर्फ आपकी गर्दन में दर्द होगा बल्कि पीठ और कमर में भी दर्द रहेगा। जिन तकियों में पंख भरे हुए होते हैं वो आपके लिए ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि इनसे आपकी गर्दन को पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिलता। फेदर पिलो के नाम से बिकने वाले ये तकिए सस्ते तो होते हैं पर ठीक नहीं, इसलिए इन्हें खरीदने से बचें। तकिया वो बेस्ट है जिसमें आपका सिर तकिए पर एक हल्का सा गड्ढा बना पाए, यानी एक हल्का सा डिप्रेशन बना पाए, आपके कंधे अंदर की तरफ ना धंसे, वो उठे रहें। ये टिप्स ट्राई करके देखिए और फर्क देखिए, सुबह होने वाले गर्दन के दर्द से बच जाएंगे, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए चने की दाल खाने के फायदे, खासतौर से उन लोगों के लिए जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। लंच हो या डिनर, दाल हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा रहती है, पर अगर आप चने की दाल नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए, खासतौर पर अगर आप वेज हैं। क्यों? चने की दाल के फायदों के बारे में हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। चना दाल प्रोटीन का एक बढ़िया सोर्स है, साथ ही इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स भी होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं और एक्टिव रखते हैं। चना दाल में पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, इसलिए ये आपके दिल की सेहत के लिए अच्छी है और अंगों में आई सूजन से निपटने में मदद करती है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो ये चना दाल आपके खाने में जरूर शामिल करिए। यही नहीं, डायबिटीज वालों के लिए भी चना दाल बहुत फायदेमंद है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं तो चना दाल जरूर खाइए। इसमें होता है फॉलिक एसिड जो आपके बालों की रूट्स को मजबूत बनाता है, नतीजा कम हेयर लॉस। 30 ग्राम चना दाल यानी कि चना दाल के 2 टेबल स्पून में होता है 6-7 ग्राम प्रोटीन, इसलिए ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती है और शरीर को बीमारियों से बचाती है। आप चाहें तो चना दाल रोटी या फिर चावल के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा आप चना दाल सूप बना सकते हैं, चना दाल भुर्जी भी बना सकते हैं, इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। अब चना दाल के इतने फायदे हैं तो इसे खाना तो बनता ही है, पर हाँ, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ये यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। अगर आप हाई यूरिक एसिड की दिक्कत से परेशान हैं तो चना दाल ना खाएं।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर देख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।